बबली, चाय लाया हूँ तेरे लिए, एक कप तेरा एक कप मेरा। वैसे बबली, तू भी सोचती होगी ना मेरे जैसा भाई सबको मिले। हाँ बंटी, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं किसी का बुरा थोड़ी ना सोच सकती हूँ। चाय वो अच्छी बनाई है, तू नहीं पी रहा? छी, हमारा बंटी भाई परेशान क्यों बैठा हुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं खान भाई, बस मेरा ना दोस्त से झगड़ा हो गया था। हाँ तो बंटी भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, झगड़ा तो मामूली बात है, हो जाता है। खान भाई, परेशानी की बात है, जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। पर बंटी भाई, आपने कुत्ता मुंह में डाला ही क्यों था? बंटी, छुट्टियां हो गई हैं, कहीं घूमने चलें, बाहर प्लान करें। हाँ यार, क्या तो तू सह रही है, चल दुबई चलते हैं। दुबई नहीं यार, वहाँ तो सब जाते हैं ना, हम ऐसा करते हैं स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। नहीं यार, स्विट्ज़रलैंड थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, पैसे नहीं बचेंगे, हम सही से घूम नहीं पाएंगे। अच्छा तू ये बता कि तेरे पास पैसे कितने हैं? पैसे? कल ना मैंने 40 रुपये की फ्राइज़ खाई थी और 60 रुपये की कुल्फ़ी, तो उसके बाद 30 रुपये तो बचे हैं मेरे पास। 30 तेरे पास, 100 मेरे पास, यानी कि 130 रुपये। समोसे तो आ जाएंगे, चल चलते हैं बाहर जाके ना समोसे खाते हैं। हाँ यार, तू सही कह रहा है, 130 रुपये में बाहर से समोसे मिल जाएंगे, खा के आते हैं। बंटी की अम्मा, ये देखो तुम्हारा नया फोन, मैं अपने लिए भी लाया हूँ नया फोन। अब्बा, अब्बा मुझे फ़ोन कब लेके दोगे? नहीं बंटी बेटा, आप अभी ना छोटे हो, अभी आप पढ़ाई करो, अगर मैंने आपको फ़ोन ले दिया ना फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ना, और कुछ बन भी नहीं सकोगे। अब्बा एक बात तो बताएं। हाँ हाँ पूछो। आपके टाइम पे फ़ोन होता था? नहीं, हमारे टाइम पे फ़ोन तो नहीं होता था। तो आप कौन सा प्राइम मिनिस्टर लग गए हैं? बबली, क्या हो गया मेरे पुत्र, तैयार नहीं हुआ अभी तक, शादी पे नहीं जाना रात में तूने? नहीं अम्मा, मैंने नहीं जाना। वो भला क्यों? अम्मा मेरे पास कोई भी सूट नहीं है, मैं नहीं जा रही। अच्छा। A few moments later. बबली, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अम्मा सूट? हा? मेरे लिए? वाओ अम्मा, ये तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लाई हो? तेरी अलमारी से, और कहाँ से लाना था। एंटरटेनमेंट वीडियोस, वो भी फैमिली वाली, इसी चैनल पर मिलेंगी, सही जगह आए हैं आप, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अम्मा hey! अम्मा क्या कर रही हो? नागन डांस कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा, खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अम्मा, एक सवाल का जवाब तो दे दो। बंटी चुप करके इधर से चला जा, नहीं तो मैंने जूती ला लेनी है ना, और तेरे को इतने लितड़ मारने हैं ना, टाइम ना मेरा जाया कर, जा इधर से। यार अम्मा, मैं तो ये पूछ रहा था कि आपके जो बाल हैं इतनी जल्दी सफ़ेद कैसे हो गए हैं? तेरी जैसी औलाद हो ना घर में, तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि नानी अम्मा के सारे बाल क्यों सफ़ेद हैं? ठहर जरा, तुझे बताती हूँ। मेरे मोबाइल को मसला होना होता है, जब भी होता है। बंटी जरा चेक करना इस मेरे मोबाइल को, क्या हुआ है, सुबह से इस पे वाईफाई नहीं चल रहा। दिखाएं अम्मा। गुलखान भाई, बड़ा अफसोस हुआ, आपके अब्बा का इंतकाल हो गया है। जी बंटी भाई, पर जो अल्लाह की मर्जी। जी ये तो आप सही कह रहे हैं,
लेकिन गुलखान भाई उनको हुआ क्या था, ऐसे अचानक इंतकाल क्यों हो गया? बस बंटी भाई नहाने के लिए वॉशरूम में गए ना तो वहाँ स्लिप हो गए और उनके सर पे चोट लगी। इतना खून गिरा किसी को पता ही नहीं चला। फिर हम जब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए ना तो डॉक्टर ने कहा कि इनका खून बहुत गिर गया है, इनको खून का बोतल लगाना पड़ेगा। तो अब किसी को पता ही नहीं था कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। बस उनका इसी दौरान इंतकाल हो गया। अच्छा गुलखान भाई, वैसे बड़ा अफसोस हुआ है सारा कुछ सुन के, लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आपको इतना कोई दुख नहीं है अब्बा के जाने का, आप तो हंस हंस के मुझे बता रहे हैं। वो ना बंटी भाई, आखिरी टाइम तक अब्बा ने ना मेरा हाथ पकड़ के एक ही बात बोला, गुलखान बेटा बी पॉजिटिव। कहाँ रख दी यार, नहीं मिल रही, दही रखी थी मैंने कल तो। बबली क्या ढूंढ रही हो? यार मेरी घड़ी नहीं मिल रही कल से, पता नहीं कहाँ रख दी है। ये वाली तो नहीं है? बंटी ये नहीं है, उसमें ना 12 बज रहे थे। जाहिल औरत। साइकोलॉजी फैक्ट, जब भी आप टेंशन में हो या मूड ऑफ हो उस वक्त अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है। मैं छाया तेरी, तू आंचल में।